नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सोशल न्यूज, मैं आपके साथ मोहम्मद अकरम। कर्नाटक में जो वोट कांग्रेस को मिले हैं, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी जीतते हुए नजर आ रही, इसका कहीं ना कहीं मेन अहम कारण अगर बात की जाएगी वो भारत जोड़ो यात्रा बताया जा रहा है। मैं आपके सामने एक एक करके कई कड़ियां रखूंगा, कई सबूत रखूंगा, कई न्यूज रखूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको दोस्तों कहना चाहूंगा, जो नीचे निःशुल्क बटन है लाइक का, उसे जरूर दबा दें, क्योंकि मैं लगातार आपके बीच में ऐसी खबरें लाता रहता हूं। ऐसे में आप सबका प्यार मेरे तक लाइक बटन से जरूर पहुंचेगा। दरअसल मैं दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, कर्नाटक चुनाव को लेकर जिस तरीके से कांग्रेस सामने आई है, इसे लेकर जयराम रमेश ने कहा क्रेडिट जो है इसका कहीं ना कहीं भारत जोड़ो यात्रा पर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी के साथ मैं आपको दोस्तों दिखाना चाहूंगा, आज तक की एक रिपोर्टर है जिन्होंने भारत जोड़ो यात्रा को पूरा कवर किया था, कहा जा सकता है एक हद तक काफी दिन तक मौजूद रही थी। ऐसे में उन्होंने जो ट्वीट किया है उसे देखने वाला है, उसे देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि क्यों मैं भारत जोड़ो यात्रा को क्रेडिट दे रहा हूं। दरअसल मैं दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, सुप्रे ये बताया कि जहां जहां से भारत जोड़ो यात्रा गुजरते हुए दिखाई दी थी, दरअसल बताया ये जा रहा था 500 किलोमीटर कर्नाटक के अंदर राहुल गांधी ने अपना सफर तय किया था भारत जोड़ो यात्रा के दौरान। इस बीच अगर बात की जाएगी, 22 दिन राहुल गांधी कर्नाटक के अंदर रहे थे और जिस भी एरिया से राहुल गांधी निकले हैं वहां पर कांग्रेस जीतते हुए दिखाई दे रही। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान की अगर मैं बात करूं, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जब राहुल गांधी चल रहे थे, कर्नाटक के बहुत ज्यादा लोग इस भारत जोड़ो यात्रा के समर्थन में उतरे थे। साथ ही राहुल गांधी की यह तस्वीर भी आपको याद होगी, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान की यह तस्वीर है। यहां पर राहुल गांधी जब स्पीच दे रहे थे उस वक्त वो कर्नाटक के अंदर मौजूद थे और ये स्पीच भी पूरे देश भर में वायरल हुई थी, जहां पर राहुल गांधी ने यह साफ किया था कि उनको कोई भी ताकत इस यात्रा को कश्मीर पहुंचने से नहीं रोक सकती। और आखिर में वही देखने को मिला, ये जज्बा कर्नाटक के अंदर था। ये स्पीच राहुल गांधी की कर्नाटक के अंदर से दी गई थी और इसी स्पीच पे कई लोग राहुल गांधी की तरफ जाते हुए भी दिखाई देते। कई पॉइंट्स से लेकर दोस्तों एक एक करके मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। ये मैप जयराम रमेश शेयर करते हुए दिखाई दिए, जहां पर आप देख सकते हैं ये वो एरिया है जहां से भारत जोड़ो यात्रा गुजरी थी और वहां पर कांग्रेस भारी बहुमत से जीतते हुए दिखाई दी। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, अमर उजाला भी यही बात बताता हुआ दिखाई दे रहा है जो मैंने अभी आपको बताई, जहां पर अमर उजाला बताते हुए नजर आ रहा है कि बहुत बड़ा अहम रोल भारत जोड़ो यात्रा ने प्ले किया है कांग्रेस को कर्नाटक के अंदर जिताने के लिए। जहां पर आप देख सकते हैं बड़ी बड़ी हेडलाइन में लिखा हुआ है, इमोशनल टच कर गया काम, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी के हाव भाव पर कर्नाटक ने लगाई मुहर। इसके बाद लिखा हुआ है जो आपके सामने पढ़ के बताना चाहूंगा, कर्नाटक में भारत जोड़ो यात्रा में कांग्रेस की तत्कालीन अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी भी शामिल हुई। इस दौरान कुछ भावुक क्षण भी देखने को मिले। यात्रा के दौरान राहुल गांधी अपनी मां के जूते के फीते बांधते दिखाई दिए। कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मतदाताओं को इमोशनल टच देने की कोशिश की थी, जिस पर वोटरों ने आखिरकार मुहर लगा दी है। तो आपने सुना, अमर उजाला भी दोस्तों यही बात करता हुआ दिखाई दे रहा है जो मैंने अभी आपको बताने की कोशिश की, और ये सबूत है आपके सामने जहां पर ये बात की पुष्टि साफ साफ होते हुए दिखाई दे रही है कि भारत जोड़ो यात्रा जहां से भी निकली वहां से भारी बहुमत कांग्रेस को मिलते हुए दिखाई दे रही। मैं आपको दोस्तों बताना चाहूंगा, अगर बात की जाए टेलीग्राफ की, टेलीग्राफ भी यही कहता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी मैंने अमर उजाला आपको पढ़ के बताया, उसकी हेडलाइन भी पढ़ के बताई, टेलीग्राफ की अगर बात मानी जाएगी तो वहां पर भी यही बात लिखी हुई है। बताया गया है कि भारत जोड़ो यात्रा एक अहम यात्रा थी अगर बात की जाए कर्नाटक जीत को लेकर कांग्रेस की। मैं आपको दोस्तों बताना चाहूंगा, राहुल गांधी ने अभी फिलहाल, मैं भारत जोड़ो यात्रा की बात लगातार आपके सामने कर रहा हूं, मैं आपको बताना चाहूंगा प्रेस से मीडिया से बात करते वक्त, जबकि कर्नाटक के अंदर कांग्रेस जीतते हुए दिखाई दे रही, वही बात कही राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कहते हुए दिखाई दे रहे थे। मैं आपको बताना चाहूंगा, मोहब्बत की दुकान को लेकर राहुल गांधी बात करते हुए दिखाई दिए, नफरत के बाजार में अब हमने मोहब्बत की दुकान खोल ली है। मैं आपके सामने ये वीडियो रखना चाहूंगा, इसे देखिए, फिर इसके बाद मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से अगर बात की जाएगी बजरंग बली को लेकर, अब कांग्रेस ट्वीट करते हुए नजर आ रही, कांग्रेस बताते हुए नजर आ रही कि आज जिस बजरंग बली को लेकर लगातार बीजेपी प्रहार करते हुए कांग्रेस पे नजर आ रही थी, वो आज कांग्रेस के साथ बजरंग बली खड़े हुए। कर्नाटक में नफरत की बाजार बंद हुई है, मोहब्बत की दुकानें खुली है, सबकी जीत है। सबसे पहले ये कर्नाटक की जनता की जीत है। हमने चुनाव में कर्नाटक की जनता से, गरीब जनता से 5 वायदे किए थे। मैंने अपने भाषण में कहा, खारगे जी ने भाषण में कहा, सब नेताओं ने भाषण में कहा था कि हमारे 5 वायदे हैं, हम इन वायदों को पहले दिन पहली कैबिनेट मीटिंग में पूरा करेंगे।
दोस्तों अब बात कर लेते हैं बजरंग बली को लेकर, जहां पर बीजेपी पार्टी लगातार बजरंग बली को लेकर कांग्रेस पर प्रहार करते हुए नजर आ रही थी। आज जीतने के बाद सबसे पहले प्रियंका गांधी की तस्वीर हनुमान मंदिर में देखी गई, जहां पर पूजा करते हुए खुद प्रियंका गांधी दिखाई दी। इसके बाद अगर बात की जाए, लगातार ट्वीट करते हुए कांग्रेस दिखाई दे रही है, पोस्ट करते हुए कांग्रेस दिखाई दे रही है, ये आप देख सकते हैं, जहां पर बजरंग बली की तस्वीर मौजूद है। और बताया जा रहा है इस तस्वीर के माध्यम से कि बजरंग बली नहीं चाहते कि वहां पर बीजेपी की सरकार रहे। इसके बाद मैं आपको दोस्तों बताना चाहूंगा, श्रीनिवास बीवी ने भी एक पोस्ट शेयर किया, पब्लिक के साथ एक पोस्ट शेयर करते हुए दिखाई दे रहे, जहां पर पोस्ट के अंदर लिखा हुआ है, आई आस्क्ड यू टू कीप मी आउट ऑफ पॉलिटिक्स। मतलब साफ है दोस्तों कि यहां पर इस पोस्ट में यह बताने की कोशिश की जा रही कि हनुमान जी ने बीजेपी से कहा था कि मुझे पॉलिटिक्स में मत लाओ, मुझे पॉलिटिक्स से दूर रखो, लेकिन बीजेपी ने हनुमान जी की बात नहीं समझी और हनुमान जी इस पोस्ट में आप देख सकते हैं कि बीजेपी को हटाते हुए दिखाई दे रहे। अब बात कर लेंगे, श्रीनिवास बीवी भी राहुल गांधी की एक तस्वीर शेयर करते हुए दिखाई दे रहे भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, जब राहुल गांधी कर्नाटक में मौजूद थे। आज कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी जीतते हुए दिखाई दे रही, भारत जोड़ो यात्रा का असर कर्नाटक के अंदर देखने को मिल रहा है। आपकी राय क्या है, क्या आपके हिसाब से भी भारत जोड़ो यात्रा का असर जो कर्नाटक के अंदर देखने को मिला, इसी वजह से आज कांग्रेस को जीत मिली है। फिलहाल दोस्तों अपनी राय जरूर दीजिएगा, हमें बताइएगा आपकी विचारधारा क्या है इस खबर को लेकर। और साथ ही साथ अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब का बटन दबाएं, लाइक का बटन भी निःशुल्क है उसे भी जरूर दबाएं। अपना ख्याल रखें, नमस्कार। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।